हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। तो चलिए, ऑडियो सीरीज़ लेक्चर की ये जो आगे की सीरीज़ हमने छोड़ दी थी, पार्ट्स हमने 5 तक कर लिया था, अब मैं पार्ट 6 लेकर आई हूँ, बौद्ध धर्म। ऑडियो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही थी, अभी हम एंशियंट हिस्ट्री पे, उसके बाद मेडिवल करेंगे और फिर मॉडर्न करेंगे। तो ऑडियो सीरीज़ का मेरे चलाने का खास मकसद यही है कि जो बच्चे फ्री टाइम में मान लो वॉकिंग कर रहे हैं या फिर कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती कंटेंट से, तो वो सिर्फ ऑडियो लगा के, कान में लगा के उसे सुन सकते हैं। इससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लर्न हो जाएंगी। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, और जितनी भी सीरीज़ मैंने मेंस के लिए या प्री के लिए उस पर छोड़ रखी हैं अपनी सक्सेस मंच चैनल पे, तो वो सारी सीरीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट करवाऊँगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, एक एक चीज़ मैं जो भी शुरुआत करी हूँ उसे मैं एंड ज़रूर करूँगी। मेंस की सीरीज़ मैं जल्द ही जल्द लेकर आऊँगी। आज ही मैं नागर और बेसर शैली, नागर शैली हम कर चुके हैं, बेसर और द्रविड़ शैली के आगे का जो भी हमारा पार्ट है वो सारा मैं आज आप लोगों को अपलोड करूंगी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित आज क्या क्या क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में हम बात करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व, मतलब कि बिफोर क्राइसिस BC में हुआ था। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल एक बार बता देती हूँ कि इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो साक्य गण के प्रधान थे, इनकी माता जो माया देवी थी वो कौली गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, जो कि मल्ल गणराज की राजधानी थी, यहाँ 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और इस मृत्यु को यहाँ पर महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, तो उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध की माँ जो किस वंश से थी, तो गौतम बुद्ध की माँ कोलिया वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का दूसरा नाम क्या था, तो बुद्ध का दूसरा नाम, काफ़ी सारे नाम हैं इन्हें प्रचंड बौद्ध, और काफ़ी सारे नाम इन्होंने कहे जाते हैं, मतलब कहीं अलग इन्हें शाक्य मुनि और सिद्धार्थ, गौतम, ये सब नाम से जाना जाता था। किस राजवंश के अभिलेखों में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, कौन से अभिलेख से पता लगता है, तो ये हमें मौर्य वंशीय जो शासक के अशोक हैं उनके रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख में अशोक ने लिखा है कि अशोक राजस्व के बीसवें बाद यहाँ आया था और उसने इस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। और साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर से छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट, इसमें कौन से अभिलेख में अशोक का जो अभिलेख है इस परंपरा की पुष्टि हुई है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ, सेम वही क्वेश्चन, तो हमने अभी बात किया रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख में। किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ, सेम अशोक के। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था बुद्ध का, तो ये हुआ था आप लोगों को अभी हमने मैंने डिटेल में बताया कि कुशीनगर में हुआ था इसका इनका महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी मृत्यु। और इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसके पश्चात वे प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य गए थे, और सबसे अधिक जो प्रचार इन्होंने किया था वो कौशल राज्य में किया था। आगे हम बात करेंगे इनके कि इनका जो महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था मल्ल राज्य में कुशीनगर में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि
महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो जहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था वहीं पर इनका मंदिर अवस्थित है, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में ये है। और मंदिर की जो स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति है ये 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। और ये जो महापरिनिर्वाण मंदिर है ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इसमें भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति जो लेटी हुई मुद्रा में यहाँ पाई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर निर्वाण की प्राप्ति उन्हें हो गई थी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। तो ये राज्य हैं यहाँ पर कौशल, मगध, अभी हमने बात की थी कौशल, मगध, कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, सारनाथ, ये सारे राज्य भगवान बुद्ध से संबंधित है। अवंती और गांधार जो है ये इनसे संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुबद्ध। अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष थे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा में पहुंचे थे। यहाँ शुकर माद्य भोज सामग्री खाने से इनको अतिसार रोग हो गया था और यहाँ से पावा से वो कुशीनगर चले गए थे। यहीं पर सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताई थी वैशाली में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और UPPCS मेंस में आ चुका है 2015 में। तो महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों या कालों का निर्धारण किया जा सकता है जिसके अनुसार उनके जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो वैशाली में बिताई गई थी। बुद्ध कौन सा एक मत है जो बुद्ध के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यह है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। इसका मतलब होता है कि बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया था उसकी कौन सी प्रॉपर डिस्क्राइब हमें करता है, किस कौन करता है? तो यह है तृष्णा रूपी अग्नि शमन। ये IAS का क्वेश्चन है 2013 का। अलार कालम कौन थे ये हमें बताना है। तो ये बुद्ध के एक गुरु थे। जब महाभिनिष्क्रमण के काल के दौरान जब वो गृह त्याग कर चुके थे तो वहाँ उसके बाद महात्मा बुद्ध अलार कालम के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने उनसे दीक्षा ली और कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, परंतु बुद्ध वहाँ संतुष्ट नहीं हुए और अलार कालम जो थे वो थे सांख्य दर्शन के आचार्य और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। जब उनसे संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने वहाँ छोड़कर आगे जाने का निश्चय किया महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है पहला उपदेश किस स्थान पर दिया। तो ये दिया उन्होंने सारनाथ में। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि 6 वर्षों की कठिन तप साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार शुरू किया जो उन्होंने सीखा था, जिसके बारे में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्नम जो कि सारनाथ वाराणस के निकट है, सबसे पहले उसी को सारनाथ कहा जाता है, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था और इसी प्रथम उपदेश को हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि सारनाथ में प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो आप लिखेंगे महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? वो दिए थे उन्हें श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो कि कौशल राज्य, जो कि अभी हमने आपसे बात की थी, कौशल राज्य की राजधानी है, वहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो वो उदयन जब शासक था कौशाम्बी का तो वहाँ पर आए थे और वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दे दिया था। तो ये लाइन भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, किसने की थी? तो ये की थी महाकश्यप द्वारा।
अब प्रथम बौद्ध संगति के बारे में डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो इसके तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और इस समय मगध का शासक था वो अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप ने की थी और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। तो ये एक एक पॉइंट आप इसमें याद रखोगे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था, उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद तथा उपाली जो आनंद थे वो धर्म के प्रमाण माने जाते थे, उपाली थे वो विनय के प्रमाण माने जाते थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये है राजगृह में, राजगृह जो कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित है और राजगीर की बैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की, तो वो की थी वसुमित्र ने। अब जो बौद्ध की चतुर्थ संगति थी, वो चार संगति हुई थी बौद्ध की, इसके बारे में हम डिटेल में पहले मैं बता चुकी हूँ, अब मैं चौथी बता रही हूँ, बीच बीच में जो आती जाएगी वो मैं बताती जाऊँगी। तो चौथी जो बौद्ध संगति थी वो कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी और कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो वसुमित्र ने की थी और अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था, जो महासंघ बना के रहते थे उनका ज़्यादा यहाँ वर्चस्व था और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन जो अंशों का सम्यक विचार इस पे किया गया था यहाँ पर। और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिख के उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया था, ये यहाँ मेन काम हुआ था। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी संगति में हीनयान और महायान का विभाजन हुआ, तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में आई, तो हमने अभी जो पढ़ा कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल का जो बौद्ध धर्म का संगति चौथी थी वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो कश्मीर के कुंडल वन में। आगे हम बात करते हैं, अगर हमसे पूछा जाए चार जो बौद्ध संगतियां हुई थी उसको सही कालक्रम में लगाइए सबसे पहले से लेकर, तो सबसे पहली संगति हुई थी राजगृह में, फिर हुई थी वैशाली में, फिर हुई थी पाटलिपुत्र में, फिर हुई थी कुंडल वन में। तो अभी ये पूरी डिटेल आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं अगर इसे एक एक करके आपको समझा दूं, तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल पश्चात जो हुई थी मगध नरेश अजातशत्रु में राजगृह में करवाई थी और ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और ये बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो मौर्य शासक जो अशोक है उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र तिस्स जो थे इसके अध्यक्ष थे। और चौथी जो बौद्ध संगति थी जिसके बारे में अभी हमने बात की थी ये कनिष्क के शासनकाल कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। तो इसके बारे में हमने पूरी डिटेल अच्छे से कर ली। अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मिग्र सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये हुआ है प्रथम उपदेश में। भारतीय जो कला है उसमें बुद्ध के जीवन का जो प्रथम उपदेश है उसका चित्रण हुआ है मृग सहित चक्र द्वारा और बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो हरिण वन में दिया था जिसे मृग दाव भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो ये है कंग्युपा वर्ग का, ये UPPCS 2000 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें बोधगया का महाबोधि मंदिर बनाया गया था कहाँ पर बनाया गया है और किस कारण से बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया के महाबोधि मंदिर के पास। जब बोधगया में 6 वर्ष की साधना हो गई थी, जब वो 35 वर्ष के हो गए थे, तो महात्मा बुद्ध को वैसाख पूर्णिमा को एक रात
बैसाख की जो पूर्णिमा की रात है वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्हें दुख और दुख के कारणों का पता लगा लिया था। इसी समय से वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और यहाँ पर महाबोधि का मंदिर बनाया गया। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? अभी इस समय वो बोधि वृक्ष नहीं है और वो बोधि वृक्ष उसे कहा जाता था जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में जो सम्राट शशांक था उसने नष्ट कर दिया था। तो अगर बोलेंगे कि बोधि वृक्ष को किसने नष्ट किया तो शशांक ने नष्ट किया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हो गए और दोनों नष्ट हो गए। वर्तमान में जिसे हम देख रहे हैं वो 4थी पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगाया था और ये वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने या उठाने का अधिकार है, मतलब इससे तोड़ नहीं सकते। इस वृक्ष को क्रमशः 2 बार अशोक ने, 1 बार पुष्मित सुंग ने और 1 बार पूर्व वर्मा ने और अंत में कनिंगम द्वारा लगवाया गया था। अगर इस हिसाब से हम अगर इसका टाइम लेके चलें तो ये 6ठी पीढ़ी का है और इसके अगर इन तथ्यों के विवाद होने के कारण, क्योंकि प्रॉपर नहीं पता चला है कौन सी पीढ़ी का है, तो ये आयोग ने क्वेश्चन हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया। बुद्ध के जो उपदेश है वो किससे संबंधित है? तो बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। तो बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देती हूँ। बुद्ध का और भी एक पार्ट आएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन गौतम बुद्ध से रिलेटेड आ जाए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड आ जाए, तो आपका कोई भी यहाँ मिस नहीं होगा, जितनी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और भी जितनी वीडियोज़ आ रही है प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।